Good morning students, good morning everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of the Hindu Newspaper Analysis, daily news analysis on India's largest online learning platform, that is Unacademy. तो Unacademy के YouTube चैनल Dream UPSC में आप सभी लोगों का स्पेशल स्वागत स्टूडेंट्स आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में. तो आज हमारा फोकस रहेगा, एडिटोरियल्स भी कवर करेंगे हम लोग. We'll also be covering the crucial news of the Hindu newspaper. But before proceeding ahead, let me know if I'm audible and visible, students. Let me know. Yes, yes. Good morning. Good morning. I hope I'm audible and visible. और अभी मैं बता दूँ time table क्या रहता है per day का. 7 to 8 a.m. 7 to 8 a.m. You have to follow me upon the Unacademy app. Special class. Over PIB, multiple choice questions and the Indian Express newspaper. ठीक है, got it. और उसके बाद 8:15 onwards the Hindu newspaper analysis. Yes. ठीक है, और उसके बाद शाम को special class. Special classes are free of cost on the Unacademy app. वहां पे Indian economy का portion. Indian economy में आज हम देखेंगे शाम को 8 o'clock पे GNP एंड जीडीपी में फर्क और जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं. गॉट इट. यस यस. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट्स. आज के सेशन में देखते हैं क्या है हमारे लिए द हिंदू से. ठीक है, और इसके अलावा अ कपल ऑफ सेशंस आर गोइंग टू कम ओवर यूट्यूब. आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर आज ही के दिन. अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग अंडरस्कोर सिंह, यह टेलीग्राम चैनल. मैं फिर से बताऊंगा, अभी आपको उसको फॉलो करना है फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. यस, येट पर डे इन द मॉर्निंग 7 to 8 a.m. इन द इवनिंग 8 p.m. to 9:30 p.m. ऑन द अनअकैडमी ऐप फ्री क्लासेस. और यहां पे यूट्यूब 8:15, 8:20 से लगभग 10 बजे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. देखते हैं आज क्या है हमारे लिए. और यहाँ पे एक टॉपिक भी हमें कवर करना है आज. एमसीक्यू एक मैंने पूछा था, उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को थोड़ा सा टैकल करेंगे हम लोग आज. शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 10 ईयर्स ऑफलाइन मेंटरिंग एंड रीसेंट, ध्यान दीजिएगा, रीसेंट 5 मंथ से ऑनलाइन मेंटरिंग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर. तो 5 महीने से आपको मैं गाइड कर रहा हूं और पिछले 4 मंथ से लगातार आ रहा है, अगस्त के महीने से. तो इट्स 5 मंथ्स अप्रॉक्सिमेटली, अगस्त के महीने से लगातार करंट अफेयर्स आ रहा है. एंड यू माइट हैव सीन अ मैसिव डिफरेंस इन योर अप्रोच टैकलिंग करंट अफेयर्स. यस, तो एज फार एज मेरा यूपीएससी में एक्सपीरियंस है, आई हैव अपीयर ट्वाइस फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इन 2007 आई मिस्ड बाई अ मियर 2 मार्क्स द फाइनल लिस्ट सिलेक्शन. ठीक है, आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल माई अटेम्प्ट्स आई वेंट ऑन टू वर्क एज अ एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर फॉर 2 ईयर्स बिफोर गेटिंग सेलेक्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स इन स्टेट सर्विसेज फॉर 3 ईयर्स. यूपी में मैंने काम किया और स्टेट सेल्स टैक्स में, और उसके बाद आई रिजाइन फ्रॉम द सर्विस टू परस्यू माई पैशन. आई एम अ पैशनेट मेंटर, आई एम अ पैशनेट कोच. ठीक है, I'm very passionate about my work to pursue my passion of mentoring all of you. और जो successfully कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं, और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है. Telegram channel Unacademy underscore Anurag underscore Singh follow कीजिए for further updates. Yes, for further updates. आज दोपहर में भी YouTube पर session आने वाला, इसी channel पर polity का एक session रहेगा. आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में notification आ जाए. Don't worry. ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सब्सक्राइब कीजिए प्लस प्लेटफॉर्म पर टू गेट क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, 100+ टॉप एजुकेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, एंड यू कैन सी प्लस कोर्सेज 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर. गो फॉर एनी ऑफ देम. आई वुड रिकमेंड यूज अनुराग एज अ डिस्काउंट कोड, गेट अ 10% ऑफ. ऑल्सो गेट माई नोट्स बुकलेट्स एंड PDF फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा. ठीक है, जिन लोगों को पर्सनल कोच चाहिए,
डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, दे कैन गो फॉर द आइकनिक सब्सक्रिप्शन. तो गो फॉर आइकनिक सब्सक्रिप्शन इन दैट केस, 1 year, 2 year, 3 year, अगेन यूज अनुराग एज अ डिस्काउंट कोड, गेट अ 10% ऑफ, ऑल्सो गेट माई नोट्स, बुकलेट्स एंड PDF फ्री ऑफ. एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. और ये देखिए अनअकैडमी कॉम्बैट बैटल, भाई देखिए बिना मॉक टेस्ट दिए हुए आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मेंस तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे. और इसी मॉक टेस्ट के लिए अनअकैडमी कॉम्बैट शुरू किया गया, एवरी ऑल्टरनेट संडेज 11 AM इन द मॉर्निंग. प्लीज फॉलो इट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पार्टिसिपेट कीजिए आकर, ठीक है. कम से कम जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो आपको एक प्रैक्टिस लगेगा और प्रैक्टिस से यू विल बी बेटर स्किल्ड. यस, स्किल इज द नीड ऑफ द आवर. एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, 2022, 2023 UPSC एग्जाम्स, सबके लिए बैच कोर्सेज शुरू हैं 21 दिसंबर से. गो फॉर इट, गो फॉर द बैच कोर्सेज बाई टॉप एजुकेटर्स आउट हियर. आइए शुरू करते हैं आज का सेशन. यह है मेरा अनअकैडमी ऐप पर प्रोफाइल, अनुराग IMS सर्च कीजिए, अनुराग IMS सर्च कीजिए, IMS एंड फॉलो कीजिए. स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज, ठीक है, स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन लेकर, सब्सक्रिप्शन अनुराग डिस्काउंट कोड के रूप में यूज करना, रेफरल कोड. तो आइए शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां से हम लोग शुरू करेंगे एक टॉपिक. कल एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में, इनर लाइन परमिट. डिड आई टीच यू इनर लाइन परमिट यस्टरडे? देखिए ध्यान दीजिए, क्या इनर लाइन परमिट मैंने पढ़ाया था कल? पढ़ाया था मैंने, मुझे तो याद है, ठीक है. और इनर लाइन परमिट पे मैंने एक, इनर लाइन परमिट मींस राइट टू फ्रीडम्स, फंडामेंटल राइट्स को लेकर है ये. आई टॉट यू, ठीक है, आई टॉट यू आर्टिकल 19 यस्टरडे, राइट टू फ्रीडम. बस 10 मिनट्स और इस टॉपिक पे, फिर हम लोग द हिंदू पे शिफ्ट करेंगे. एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम्स आपको दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया. आपने देखा होगा ये सारे फ्रीडम्स न्यूज में आते रहते हैं. डू दे कम इन द न्यूज? टेल मी स्टूडेंट्स, डू दे कम इन द न्यूज? दे कम इन द न्यूज वेरी ऑफन. कल आया था इनर लाइन परमिट के ऊपर, फ्री मूवमेंट को लेकर. अब आप बोलेंगे सर ये फ्रीडम का मतलब क्या? आजादी घूमने की, बोलने की, असेंबल करने की, यूनियन बनाने की, एसोसिएशन बनाने की, कहीं भी जाकर बस जाने की इंडिया में, कोई भी नौकरी करने की, आप पे डिपेंड करता है. बट टेल मी वन थिंग, शुड दिस बी फ्री? एवरीथिंग शुड बी फ्री? नो. स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है आपको, आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, रेस्ट्रिक्शन रुकावट. फॉर एग्जाम्पल आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं. फॉर एग्जाम्पल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ आप नहीं बोल सकते और नहीं बोलना भी नहीं चाहिए. सेकेंड पॉइंट, असेंबल कीजिए पीसफुली, लेकिन अगर पब्लिक प्लेस पे असेंबल कर रहे हैं, यू कैन बी अ न्यूसेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल. सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. हर जगह रुकआउट आना चाहिए, क्योंकि इंसान डेवियंट होता है. सुना होगा आपने डेवियंस, डेवियंट होता है इंसान को, ह्यूमन बींग को बहुत मजा आता है नियम तोड़ने में. इसी डेविएशन से इस आजादी मिल जाए तो आगे बढ़ जाता है, लिमिट क्रॉस कर लेता है. इसी डेविएशन को रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शंस आर इंपोज. यस, रेस्ट्रिक्शन आपने घर में बोला, आप देखे होंगे अपने घर में, आपके घर में रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं? नो, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट यू कांट स्पीक अगेंस्ट, विद डिसरिस्पेक्ट अगेंस्ट द एल्डर्स, यू कांट स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक, दे आर रेस्ट्रिक्शन. तो आर्टिकल 19 में भी रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, घूमो. या देखिए, राइट टू मूव फ्रीली बट विद अ हेलमेट अगर आप टू व्हीलर पे चल रहे हैं, सीट बेल्ट अगर आप फोर व्हीलर पे चल रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस कहां दिए हुए? यहां दिए हुए. कहां पे? आर्टिकल 19 में ही रेस्ट्रिक्शन दिए हुए. ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों दिए हुए? क्योंकि हमें पब्लिक ऑर्डर सोसाइटी का मेंटेन करना,
और आपको फ्रीडम भी देना है. देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस. आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट. समाज का भी उद्धार हो, आपका भी उद्धार हो. समाज का उद्धार आपके कॉस्ट में नहीं होना चाहिए और आपका उद्धार, आपका वेलफेयर समाज की कॉस्ट पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस. और यही आर्टिकल 19 मेंटेन करना है. रेस्ट्रिक्शंस एम टू प्रमोट सोशल हार्मनी वाइल फ्रीडम्स एम टू गिव योर सेल्फ फ्रीडम. अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है यहां पे. दीज रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीजनेबल? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रीजनेबल का मतलब होता है कि भाई जो लिखा हुआ है इसके तहत ही आप रेस्ट्रिक्शन बना सकते. एग्जाम्पल, मूवमेंट पे एक रेस्ट्रिक्शन है, देखिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड जनरल पब्लिक. सरकार कोई नियम बना सकती है. सरकार ने कहा मैं नियम बनाया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, इनर लाइन परमिट, जो वहां पे बाहर से बंदा जाएगा नॉर्थ ईस्ट का नहीं होगा, उसके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट चाहिए. आर यू गेटिंग इट? इनर लाइन परमिट. कहा गया क्यों ऐसा किया है आपने? ट्राइब्स रह रहे हैं वहां पे, उनका कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, और जो नॉन ट्राइबल है वो जाएंगे तो ट्राइब का कल्चर खत्म हो जाएगा वहां से, खत्म कर देंगे बिल्कुल. आर यू गेटिंग इट? तो समझ लीजिए, रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल. रीजनेबल मींस द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर कैन नॉट गो बियॉन्ड इट. एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर चाहेंगे और रेस्ट्रिक्शन लग जाए, कोर्ट कहेगा नहीं भैया रीजनेबल करना है उसे. रीजनेबल मींस काम लायक. इतने ज्यादा रुकावटें मत कर दो कि दिक्कत हो जाए. ठीक है, आपके रेस्ट्रिक्शंस, आपके नियम कानून जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इट शुड सेटिस्फाई आर्टिकल 19 के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं. दैट्स इट. ये बताइए, नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल दे, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये आपका राइट है, फ्रीडम है. तो क्या आप बिना MBBS के डॉक्टर बन जाइएगा? टेल मी. या बिना BTEC के आप इंजीनियर बन जाइएगा? टेल मी. आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ना. अब देखा हुआ क्वैक्स को पकड़ा जाता है अक्रॉस इंडिया, जो फर्जी दवाई बेचते हैं. आर यू गेटिंग इट? तो जब आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो आप कैसे वो प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं? यही है रेस्ट्रिक्शन. एंड आई होप इट्स क्लियर. बहुत सही है रेस्ट्रिक्शन. भाई वो ऑपरेशन तो कर नहीं पाएगा बंदा, ठीक है, MBBS किया नहीं है, MS किया नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल, या कोई दवा नहीं दे पाएगा एलोपैथ का या आयुर्वेद का, तो कहां से बिना डिग्री के आप नहीं कर सकते ये प्रोफेशन. आर यू गेटिंग इट? यही वजह है, दिस इज द थिंग, दिस इज रेस्ट्रिक्शन, रहना चाहिए. इसके बावजूद तो, रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद कितने केसेस होते हैं हर साल. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री, व्हेन पीपल गो बियॉन्ड देयर फ्रीडम्स. यस, ठीक है. अब देखिए, ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए पब्लिक के इंटरेस्ट में, ठीक है. ये रेस्ट्रिक्शंस के बाहर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट इन्वेंट न्यू रेस्ट्रिक्शन. यही इस चीज का कंसेप्ट है. इन्वेंशन ऑफ न्यू रेस्ट्रिक्शंस आउटसाइड आर्टिकल 19 इज नॉट परमिटेड. अगर बाहर अगर आप इन्वेंट कर सकते हैं तब तो एग्जीक्यूटिव चाहेगा ना कि मैं तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कि नहीं भाई मैं यहां भी रेस्ट्रिक्शन लगा दूं, मैं यहां भी लगा दूं. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार होल्ड किया ये पॉइंट दैट रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी इन्वेंटेड आउटसाइड दिस. अगर आपको लगता है कोई नया रेस्ट्रिक्शन आना चाहिए, रुकावट, तो अमेंड कीजिए संविधान को, इसी में डालिए आर्टिकल 19 में, बाहर से कुछ सोच कर मत डाल दीजिए. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए भाई, झोला छाप डॉक्टर्स पाए जाते हैं गांव में, ठीक है, ऑक्यूपेशन कैरी आउट कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन कौन ट्रैक करेगा? आप बताइए, ट्रैक कौन करेगा? कहाँ सर, क्या कहाँ पे रिसोर्सेज इतने ट्रैक करने के सबको? पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो पॉपुलेशन से है. आई होप यू आर गेटिंग इट. सो आर यू गेटिंग इट? इन शॉर्ट,
द रेस्ट्रिक्शंस आर देयर एंड यू कैन नॉट इन्वेंट रेस्ट्रिक्शंस आउटसाइड इट. ये होल्ड किया गया. आर्टिकल 19 इज एक्सक्लूसिव, मींस रेस्ट्रिक्शंस आर एक्सक्लूसिवली मेंशनड हियर. आपकी किसी डायरी में या नोटबुक में रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स्ट्रा. आप एग्जीक्यूटिव है, आप लेजिस्लेचर है. यही मैंने आज सवाल दिया था यहां पे. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इन्वेंटेड आउटसाइड आर्टिकल 19. रॉन्ग स्टेटमेंट. रेस्ट्रिक्शन अगर कुछ लगाना है तो यहां पे आर्टिकल 19 में अमेंड करके संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके आपको यहां पे एडअप करना पड़ेगा. आई होप यू गॉट इट. और यही रहना भी चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन था, बोथ आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर क्वालिफाइड राइट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड? आर्टिकल 19 क्वालिफाइड राइट्स. क्वालिफाइड का मतलब क्या? एब्सोल्यूट नहीं है. एब्सोल्यूट नहीं. एब्सोल्यूट का मतलब क्या? कोई रुकावट नहीं. क्वालिफाइड का मतलब क्या? रुकावट, रेस्ट्रिक्शंस. बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? बताइए मुझे चैट बॉक्स में. ठीक है, क्वालिफाइड राइट मींस बोलो, लेकिन ये चार चीज सोचकर. क्वालिफाइड मींस राइट टू फ्रीडम विद रेस्ट्रिक्शन. आपके घर में सारे लोगों के क्वालिफाइड राइट्स हैं, लेट मी टेल यू. एब्सोल्यूट राइट्स दिए जाएंगे ना तो आप बिगड़ जाओगे. आर यू गेटिंग इट? नो रेस्ट्रेंट मींस एब्सोल्यूट, रेस्ट्रेंट मींस क्वालिफाइड. क्लियर? अब समझ में आ गई बात? रेस्ट्रेंट चाहिए आपके अब? नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं, मैं ठीक से बात करता हूं. नहीं, कंट्रोल नहीं रहता है इंसान का अपने जबान पे. मैंने टेल यू, कंट्रोल नहीं रहता है अपने एक्टिविटीज. इंसान डेविएंट एनिमल है. लेट मी टेल यू, द मोस्ट डेविएंट एनिमल ऑन अर्थ. व्हाट इट? आइए देखते हैं आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 देखते हैं. आर्टिकल 21 क्या? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कन्फर करता है हमें. लेकिन लिखा हुआ है, लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड. अब ये अलग है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर. अमेंड नहीं किया गया संविधान, लेकिन मीनिंग रिप्लेस हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. यानी कि ध्यान दीजिए, आपको फंडामेंटल राइट है लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, लेकिन ये छीना जा सकता है अगर नियम सही है, टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है. आर यू गेटिंग इट? इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट्स छीना जा सकता है अगर नियम कानून सही है तो. आर यू गेटिंग इट? No, all FR are not qualified rights. Right to equality is an absolute right. Right to freedom of religion is an absolute right. Are you getting it? Clear? Tell me students. आप समझ में आ गई बात? तो क्या आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों पे रेस्ट्रेंट लगा हुआ है? Yes, लगा हुआ है. Both are qualified rights. इसे याद रखिएगा इस चीज को. Clear? Tell me students, is this clear? So which of the above is correct? Both article 19 and 21 are qualified rights. Yes, they are qualified rights. Reasonable restrictions can be invented outside article 19. Wrong statement. It cannot be invented. Which of the above is correct? Only. बस. मैंने वहां कहा था आपको ऐप पर कि मैं यहां समझाऊंगा, मैंने समझा दिया. आई होप यहां से आप तीन शब्द लेकर जाइएगा आज घर. क्वालिफाइड राइट्स का मतलब क्या? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मींस व्हाट? ठीक है, एब्सोल्यूट राइट्स मींस व्हाट? एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. आइए बढ़ते हैं द हिंदू की तरफ आज. तो द हिंदू करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए उठकर बैठ जाइए चेयर पे, पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, एटलस निकाल लीजिए, सिलेबस निकाल लीजिए. हमें स्टडी करना है करंट अफेयर्स, रीड नहीं करना. दो नोटबुक्स, एक न्यूज एनालिसिस के लिए, एक एडिटोरियल्स के लिए, सिलेबस और साथ में लेट्स टेक ऑफ इन टुडे सेशन. इंटरेस्टिंग, मजेदार सेशन होने वाला स्टूडेंट. ठीक है, आइए देखते. 23 दिसंबर का न्यूज सिनॉप्सिस. पहला न्यूज, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बर्ड की बात हो रही है. देखिए यहां पे चल रहे हैं ये लोग, ये देखिए
चल रहे हैं ये लोग, देख यहां पे वायर्स हैं। ये कौन सा एरिया है? डेजर्ट नेशनल पार्क। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डेजर्ट नेशनल पार्क, ये बर्ड आज क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चला है। इट्स अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ IUCN। कुल मिलाकर केवल 136 इंडिविजुअल्स रह गए। ये भी एक महीने पहले का डेटा है। आई डोंट नो व्हाट इज द करेंट डेटा। इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द हेवीएस्ट, वन ऑफ द हेवीएस्ट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इसकी संख्या कम होती चली जा रही है। इट वॉज एट वन टाइम डिस्कस्ड टू बी द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। डिस्कस किया गया था, लेकिन पीकॉक बिकेम द नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया डिस्कस किया गया था इसको रखने के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक बड़ा पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा, दैट इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड एंड राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है, राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है, डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क का मतलब है डेजर्ट एरिया प्लस ग्रासेस, ग्रासेस होती हैं, फॉरेस्ट तो है नहीं यहां पे। यस, ठीक है। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो है बर्ड, इट्स इन न्यूज सिंस लास्ट 2 ईयर्स। देखिए यहां पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ IUCN। साइंटिफिक नेम आर्डियोटिस निग्रीसेप्स, आर्डियोटिस निग्रीसेप्स, आर्डियोटिस निग्रीसेप्स, याद कर लीजिएगा। साइंटिफिक नेम आ सकता है, यूपीएससी माइट आस्क। स्क्रीन क्लियर नहीं तो रेजोल्यूशन चेंज कीजिए, रेजोल्यूशन चेंज कीजिए, आपको स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। आई होप द रेस्ट ऑफ द पीपल आर फाइंडिंग द स्क्रीन क्लियर विजिबल। नेक्स्ट, हैबिटेट ड्राई ग्रासलैंड्स। सबसे बड़ी जनसंख्या राजस्थान में, क्लियर है। इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये अम्ब्रेला एक्ट है इंडिया का। इसमें लिस्ट तैयार किया गया, पहला लिस्ट शेड्यूल 1। इसमें उन बर्ड्स को, एनिमल्स को दिया गया है प्रोटेक्शन जिसके सबसे ज्यादा नंबर्स कम है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, साइंटिफिक नेम का मतलब है, जैसे हमारा साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है, इंसान का, ह्यूमन बींग्स का। साइंटिफिक नेम का मतलब है जीनस और स्पीसीज स्पेसिफाई करता है बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, देखिए भाई, जो जानवर हैं, इंसान हैं, प्लांट्स हैं, इनकी भी फैमिली होती है ना, फैमिली, क्लास, सब डिविजन्स किया गया है एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में। दो बड़े राज्य हैं वर्ल्ड में, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। उसमें पोजीशन हर एनिमल का पढ़ने के लिए, देखिए पढ़ने के लिए जरूरी है कैटेगराइजेशन। आर यू गेटिंग इट? विदाउट कैटेगराइजेशन, विदाउट डिविजन, यू कैनॉट स्टडी। उसी को डिवाइड करके एनिमल किंगडम को वेरियस क्लासेस में, फैमिलीज में, जीनस में, स्पीसीज में रखा गया। अब आर्डियोटिस निग्रीसेप्स जैसे ही आपको याद रहेगा, आएगा ओके, ये इस जीनस का, ये इस स्पीसीज का है, यू विल बी इजीली एबल टू रिलेटेड इसके कौन से रिश्तेदार हैं दूसरे बर्ड्स। मैं बता रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल इसका एक रिश्तेदार है, मीन्स रिश्तेदार मीन्स क्लोज, इससे क्लोजली मिलता है, रिजेंबल करता है, बंगाल फ्लोरिकन बर्ड। सुना है आपने इसके बारे में? टेल मी, ये सवाल आया कि व्हाट इज साइंटिफिक नेम, वही मैं बता रहा हूं यहां पे, बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, बिल्कुल सही, गॉट इट, क्लियर। बंगाल फ्लोरिकन, मैं बर्ड के बारे में बताऊंगा। ये मानस में पाया जाता है, ये भी खत्म होने की कगार पे है, ये सब बड़े बर्ड्स हैं। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन नहीं सुना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज गूगल सर्च कीजिएगा, कम से कम इसका चेहरा देख लीजिए, बाकी मैं एक दिन बता दूंगा। तो क्या ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के बारे में ये पॉइंट क्लियर हुआ? टेल मी। और मैंने ये देखिए, ये मेरा लास्ट ईयर का ये कंप्लीट करंट अफेयर्स है। ये देखिए थ्रेट्स, मैंने देखिए लिखा था थ्रेट्स में, जनरल थ्रेट्स। इसमें एक बहुत बड़ा थ्रेट है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के तार, उसमें फंस कर मौत हो जा रही है। आर यू गेटिंग इट?
हैव अ लुक, दीज आर वायर्स, बिजली के तार, इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के तार में फंसकर मौत हो जा रही है, तो हैव अ लुक। इसके अलावा सेकंड डेंजर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिए, इसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत कम है, इट लेज ओनली वन एग पर ईयर। क्या ये बहुत दिक्कत है? टेल मी, इसका रिप्रोडक्शन रेट कम होगा वो बाय डिफॉल्ट डेंजर में आ जाएगा, ठीक है, अगर मरेंगे उसके इंडिविजुअल्स तो। एग्जाम्पल, आपने प्लांट्स में हिमालयन ट्रिलियम अभी पढ़ा है ऑन संडे द हिंदू, देख लीजिएगा संडे का, इसी संडे का सेशन, आई होप यू रिमेंबर, वहां भी यही केस आया था, ठीक है। दिस इज द रीजन इसकी संख्या कम होती चली जा। और इसको लेकर एक बहुत बड़ा पॉइंट आया डिस्कशन में, इट वॉज अ डेंजर दैट चीता आर गोइंग टू बी ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया, अफ्रीकन चीता, चीता लाने की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी गो अहेड दिया लास्ट ईयर। चीता को बोला गया था पहले मे बी दे विल कम इन डेजर्ट नेशनल पार्क, बोला गया यार पहले से इनकी संख्या कम है, ये तो मर जाएंगे, चीता फास्टेस्ट एनिमल अपॉन अर्थ है एंड दीज आर हैवी बर्ड्स। देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से टहल रहे हैं, देखिए टहल रहे हैं डेजर्ट में, टहलने का आपको टाइम नहीं है, ठीक है, आप तो घर में बैठे हुए, ये देखिए मूव कर रहे हैं, गॉट इट। अब ये टहल रहे हैं, इसी टहलने में चीता आ जाएगा, दिक्कत की बात ना वहां पे, इनका टहलना भी इनके लिए अभिशाप बन जाएगा, ठीक है। तो डोंट यू थिंक दे नीड प्रोटेक्शन, दे नीड सम सेफगार्ड्स, यस। चीता अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, चीता जब भी आएगा अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एक नया कंसेप्ट लाएगा, इसीलिए द हिंदू के फर्स्ट पेज पे ये आया हुआ है आज का न्यूज, फायरफ्लाइज टू शाइन अ लाइट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड्स। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी हैज कम अप विद अ यूनिक इनिशिएटिव, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर फॉर ओवरहेड पावर लाइन्स इन एरियाज, ओवरहेड पावर लाइन्स, बिजली के तार, एरियाज वेयर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड पॉपुलेशन लिव, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नंबर्स आर लेस देन 150, मैंने कहा ना 136 एग्जैक्ट है, ठीक है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स पावर के, उसी से इनको करंट लगता है एंड दे डाई इन द थार डेजर्ट, ठीक है। इनकी हंटिंग भी होती है, बिल्कुल आई अग्री, ठीक है। नेक्स्ट, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स आर फ्लैप्स इंस्टॉल्ड ऑन पावर लाइन्स, फ्लैप्स, दे वर्क एज रिफ्लेक्टर्स फॉर बर्ड स्पीसीज लाइक ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ये देखिए चमक रहा है, देखिए चमक रहा है, सफेद सफेद चमक है फ्लैप्स के ऊपर, रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, आर यू गेटिंग इट, बर्ड्स कैन स्पॉट देम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स एंड चेंज देयर फ्लाइट टू अवॉइड कोलिजन। क्या ये बड़ी बात है स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या ये बहुत बड़ा पॉइंट है, टेल मी, यस, गॉट इट। तो ये देखिए यहां पे स्टिल ये जो फ्लैप्स हैं लगे हुए चमक रहे हैं, ये स्मॉल बर्ड्स के लिए बहुत, स्मॉल बर्ड्स के लिए तो बहुत फायदेमंद रहेंगे, बिग बर्ड्स वो बहुत लेट रेस्पॉन्ड करते हैं, फिर भी सेव तो होगा ही कुछ ना कुछ, गॉट इट स्टूडेंट्स, टेल मी द चैट बॉक्स, बात समझ में आ रही है। इसे कहते हैं टेक का सटीक इस्तेमाल करना, यूसेज ऑफ टेक फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। लेट्स सी वेदर दीज फ्लैप्स गो ऑन टू हेल्प द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो 20 वर्ड्स केस स्टडी अप्रोच, 20 वर्ड्स, ठीक है, got it, clear, 20 words, निकाल लीजिएगा। और ये इनका नाम फायरफ्लाइज क्यों है, ध्यान दीजिए, द डाइवर्टर्स आर कॉल्ड फायरफ्लाइज बिकॉज दे लुक लाइक फायरफ्लाइज शाइनिंग, जुगनू की तरह शाइन करता है, ठीक है, दूर से दिख जाएगा, लेट्स सी।
ये 20 वर्ड्स केस स्टडी, 20 वर्ड्स केस स्टडी साइंस एंड टेक इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, दैट्स इट। एक वॉकर को लगाया गया, वॉकर टाइगर को लगाया गया है, उसके क्या कहते हैं जीपीएस कॉलर लगाया गया उसे, वहां भी टेक है, यहां भी टेक। ठीक है, गॉट इट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़, चलिए आगे बढ़। अब रे सर ये न्यूज कहां लिखेंगे, केस स्टडीज में, लाइफ ऑन लैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी आपको लिंक करना है, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, फायर फ्लाई डाइव। ठीक है भाई, बर्ड्स अगर फायर फ्लाई फ्लैप्स हैं भाई, अगर इसको ईट करने की कोशिश करेगा तब तो यार तब कोई मालिक ही नहीं है यार उस बर्ड का। यस दे आर वेरी ब्यूटीफुल बर्ड्स, बंगाल फ्लोरिकन इज ऑल्सो अनदर ब्यूटीफुल बर्ड इन मानस रिजर्व। और दोनों पता है दोनों बर्ड्स में सबसे बड़ी पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट क्या, क्यों ये मर रहे हैं ज्यादा, इनका हैबिटेट ग्रासलैंड्स है, ग्रासेस, फॉरेस्ट में रहते तो नहीं मरते, ग्रासेस मेक्स देम मोर एक्सपोज्ड टू द एनिमल्स विच आर हंट, एनिमल्स विच फीड अपॉन देम। यस वाइल्ड डॉग्स, मैं बता दूं आपको, वाइल्ड डॉग्स बहुत ज्यादा मात्रा में बंगाल फ्लोरिकन हो या ये हो बस्टार्ड हो पे वो किल करते हैं, ऑल्सो ह्यूमन बींग्स हंटिंग के लिए। ठीक है, ये केस स्टडी आप किसी भी साल में आप डाल सकते हैं, 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, जब यूपीएससी दे रहे हैं तब डालिए, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, लेपर्ड सेंसस कल हमने देखा था, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट्स होम टू 3387 लेपर्ड, वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है, अभी सेंसस हुआ है, सब कोई खुश है, ये भी खुश है, कभी कभी खुशी में ये विलेज में आ जाता है, खुशी में नहीं आता है, विलेज आता है, ये दुख दुखी दुख दुख इसे होता है। व्हाई व्हाई डज द लेपर्ड कम इन द विलेज, बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस। ठीक है, हैबिटेट लॉस। ये लेपर्ड का सेंसस कब हुआ था, टाइगर के सेंसस के साथ हुआ था, इसे याद रखिएगा, 2018 में द लेपर्ड सेंसस अकर्ड विद टाइगर सेंसस 2018, दोनों का साथ में हुआ था, टाइगर प्लस लेप। ठीक है, 2008। ठीक है, कितना एंजॉय करा देखिए इसके पेड़ के ऊपर, पेड़ काट दीजिएगा घर में आ जाएगा, विलेज में आ जाएगा और विलेज में मार दिया। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के मैक्सिमम केसेस दो ही एनिमल्स के हैं, या तो एलिफेंट या लेपर्ड, जो खत्म हो जाते हैं, और वो एशियाटिक लायन या टाइगर आता है तो वो खत्म करता है। ठीक है, गॉट इट, तो हैव अ लुक, लेपर्ड इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, हरियाणा हो या यूपी हो, कहीं के प्लेन्स हो, प्लेन्स में एंटर्स द विलेजेस। ठीक है, गॉट इट। और ये देखिए इसका सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो पाया गया वो सेंट्रल हाईलैंड्स एमपी विंध्या सतपुड़ा रेंजेस, उस जगह पे लेपर्ड सेंसस में पाया गया, मैक्सिमम लेपर्ड्स रहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स विंध्यास एंड सतपुड़ास, लेकिन वेस्टर्न घाट्स में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, हैव अ लुक। और ये डेटा मैंने क्यों पुट अप किया स्टूडेंट्स, क्या व्हाई हैव आई टेकन अप दिस स्लाइड, ये द हिंदू में आज आया था, द हिंदू के न्यूज़पेपर में आज ये आया हुआ, ये वेस्टर्न घाट्स का मैप, ये वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री माउंटेन्स, ये फाइव स्टेट्स में, मैंने ऑलरेडी बताया, टेल मी द नेम ऑफ फाइव स्टेट्स, सॉरी सिक्स स्टेट्स में, टेल मी द नेम ऑफ सिक्स स्टेट्स, इट्स प्रेजेंट इन सिक्स स्टेट्स राइट फ्रॉम गुजरात टिल केरल, लेट मी नो द नेम। ठीक है, क्लियर, ये वेस्टर्न घाट्स से सह्याद्री एक फॉर्मिडेबल माउंटेन्स, एवरेज हाइट 1000 से 2000 मीटर अबव सी लेवल, ये देखिए एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर सी लेवल से, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु, क्या बात है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, सिक्स स्टेट्स, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसका लेंथ कितना है वेस्टर्न घाट्स का, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर,
रिवर तापी से ये राइज करता है एंड इट स्ट्रेचेस टिल कन्याकुमारी द लास्ट स्टेप. आई सपोज रिवर तापी ऑल ऑफ यू नो आउट हियर यहां से. ठीक है, वो तीन में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, मिडिल वेस्टर्न घाट्स एंड सदर्न वेस्टर्न घाट. ठीक है, नॉर्दर्न मीन्स गुजरात महाराष्ट्र एंड गोवा तक. ठीक है, सेंट्रल मीन्स गोवा से केरल के नॉर्दर्न लिमिट तक. और उसके बाद सदर्न मीन्स देखिए यहां पे मिडिल सह्याद्रीज, इट रन टिल नीलगिरी माउंटेन. नीलगिरी माउंटेन इज द मिडिल वन. डिवाइड किया गया पढ़ाई के लिए. ठीक है, और ये देखिए सदर्न सह्याद्रीज, ये देखिए मैंने पढ़ाया था आप लोगों यहां पे केरल तमिलनाडु एंड कर्नाटक में साउथ ऑफ नीलगिरीज सेट ऑफ हिल्स अगस्त मल्लाई अन्ना मल्लाई पालनी एंड कार्डमम. मैंने बताया था फोर माउंटेन्स फोर हिल्स अन्ना मल्लाई पालनी हिल्स कार्डमम हिल्स एंड अगस्त मल्लाई हिल्स. क्लियर टेल मी स्टूडेंट्स, इतना हो जाएगा. तो ये बस देखिए मैंने अटैच कर दिया स्लाइड, देख लीजिएगा आज जरूर से, अच्छा रहेगा. यू गेट टू नो अबाउट द सह्याद्री माउंटेन, कौन कौन से रेंजेस हैं भाई यहाँ पे. ठीक है, टेल मी इज इट क्लियर. एंड आई हैव आल्सो टेकन अ सेशन अप ऑन वेस्टर्न घाट्स ऑन B2M चैनल ऑफ अन अकेडमी. वहां उसे फॉलो की, यू विल गेट टू नो कंप्लीट डिटेल्स अबाउट वेस्टर्न घाट्स. तो यही वेस्टर्न घाट्स का न्यूज आया है आज, दैट लेपर्ड्स यहाँ पाए गए हैं अच्छे खासे, और नीलगिरीज में अच्छे खासे पाए गए हैं. यस, सदर्न ब्लॉक में अच्छे खासे पाए गए हैं केरल में, सदर्न सह्याद्रीज में, केरल में, तमिलनाडु में, पेरियार रेंजेस में. ठीक है, पेरियार रिजर्व में. दैट्स इट, इतना डिटेल नहीं पढ़ना है. मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ घाट्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ घाट्स अगर आप देखिएगा तो बिलीगिरी रंगा हिल्स है. मैंने B2M चैनल पे मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी के पास में नीलगिरीज है, नीलगिरीज नीलगिरीज माउंटेन्स है वहीं पे. हिल्स और माउंटेन्स में फर्क होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हिल्स और माउंटेन्स में फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा. हिल्स एंड माउंटेन्स, हिल्स का एवरेज हाइट जीरो से जनरली इंडिया में लिया जाता है टिल 1000 या 2000 मीटर. इंडिया में इट्स जीरो टू 2000 मीटर, विदेश में इट्स जीरो टू 1000 मीटर अबव सी लेवल. आर यू गेटिंग इट? इंडिया में 2000 मीटर तक. इंडिया कहता है यार मेरे यहाँ, जैसे विदेश है कोई कंट्रीज हैं वो कहती हैं हमारे यहाँ यार हिल्स मीन्स हाइट ऑफ जीरो टू 1000 मीटर. इंडिया कहता है बस हमारे यहाँ पहाड़ियाँ कितनी बड़ी हैं, तो कहते हैं 4000 मीटर की पहाड़ी है. ओनली आओ मेरे यहाँ, आओ हिमालय में देखो, 8000 मीटर के ऊपर तो एवरेज हाइट है बहुत सारे पीक्स. बाय डिफॉल्ट मेरे यहाँ के हिल्स आपके यहाँ के माउंटेन्स हैं. हिल्स आर हैविंग एवरेज हाइट ऑफ 0 to 2000 मीटर अबव सी लेवल. ठीक है, 0 to 2000 मीटर अबव सी लेवल तक. ठीक है, अब आप लोग सर प्लेटो क्या होता है, 500 मीटर तक सी लेवल से ऊपर उसे प्लेटो कहते हैं, पठारी क्षेत्र. उसके ऊपर 2000 मीटर तक हिल्स, 2000 मीटर से ऊपर टिल 8000 मीटर, टिल माउंट एवरेस्ट, टिल स्वर्गलोक, जो भी आप कहिए. ठीक है, इट्स माउंटेन. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये लेपर्ड का देखिए भाई, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. लेपर्ड का सेंसस प्रीलिम्स के लिए मैं बता दूं, एक एक पॉइंट यहाँ पढ़िएगा. लेपर्ड्स देखिए साउथ इंडिया में कहाँ पाए जा रहे हैं या वेस्टर्न घाट्स के अंदर कहाँ पाए जा रहे हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे एंड सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ पे, इतना पढ़ना है. नेक्स्ट, हैव अ लुक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, डिसइन्वेस्टमेंट. अब ये मेंस का टॉपिक आया, गवर्नमेंट इनवाइट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू डाइवेस्ट
फुल स्टेक इन शिपिंग कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI, ये देखिए शिप, इसमें 64% सेंटर ने पैसा लगाया है, सेंटर का शेयर होल्डिंग है। आई सपोज यू नो द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डिंग या ओनरशिप। जितना आप पैसा लगाइएगा उस कंपनी के नेटवर्थ में, नेटवर्थ मीन्स कितना उस कंपनी का वैल्यू है, उसमें जितना पैसा आपका है, जितनी आपने लगाया है पैसा, उसे कहेंगे आपका ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप, आर यू गेटिंग इट, आपका ओनरशिप कहेंगे। एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सेंटर होल्ड्स 63.75% स्टेक ओनरशिप इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत सरकार का उपक्रम। सुना होगा आपने, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, PSUs, ONGC, IOC, SBI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अब भारत सरकार ने इनवाइट किया है पूरा का पूरा अपना शेयर सेल करने की, यानी कोई प्राइवेट कंपनी आए, पैसा दे दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इसको खरीद ले कंपनी। आर यू गेटिंग इट? द सेंटर ऑन ट्यूजडे इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, बिड्स इनवाइट किया है, कौन कंपनी आगे आई, फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स एंटायर 63.75% शेयर होल्डिंग इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या इसी को स्ट्रेटेजिक सेल कहेंगे स्टूडेंट्स? स्ट्रेटेजिक सेल मैंने बताया था आपको पहले, 50% के ऊपर का सेल, ठीक है, ओनरशिप में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, वॉज फॉर्म्ड इन 1961। इट इंक्लूड्स 59 ships हैं, ठीक है, टैंकर्स हैं, सप्लाई वेसल्स हैं, और इससे ट्रेड किया जाता है। समझ में, ट्रेड होता है इससे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स बिड्स, कि भाई कौन इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, टेंडर जैसे इनवाइट किया जाता, वैसे ही टेंडर है ये, ठीक है। तो ये सरकार बेच देगी तो सरकार को मिल जाएंगे रेवेन्यूज, आर यू गेटिंग, पैसे। और ये कौन सी मिनिस्ट्री या कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में हो रहा, आइए देखते हैं। दीपाम, दिस इज दीपाम, दीपाम इस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, ध्यान दीजिएगा इसका फुल नेम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपाम। दीपाम का नाम पड़ा 2016 में, न्यू नेम। आर यू गेटिंग इट? भाई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी आ सकता है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आ सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स PSUs आ सकती हैं, ONGC आ सकता है, या कोई आ सकता है, ठीक है। सब आंसर कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, पहले ये प्रीलिम्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से। दीपाम, दीपाम का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, 2016 में ये नाम पड़ा, इसका ओल्ड नेम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्लियर है। कब बनाया गया था, 1999। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म्ड 1999। सेकंड, फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, एंड फ्रॉम 2016 इट्स न्यू नेम केम अप, नया नेम, पहले बहुत सिंपल नेम था, अब कॉम्प्लेक्स नेम हो गया, पहले था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो बेचेगा एसेट्स, जो डिपार्टमेंट देखेगा उसका, वो ये है, ठीक है। तो पहले क्या, बाद में क्या नाम पड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपाम। कब से नाम पड़ा, 2016। क्या ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, टेल मी, इज दिस क्लियर, टेल मी, व्हाट इज द एम ऑफ दिस डिपार्टमेंट, व्हाट इज द एम, ध्यान दीजिएगा, प्रोमोट पीपल्स ओनरशिप इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीपल ओनरशिप कैसे होता है,
शेयर मार्केट सुना है आपने? शेयर मार्केट, उस पर कितनी कंपनीज को लिस्ट किया गया, लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? कुछ शेयर्स बेच दिए जाते हैं, 10%, 20%, 5%, किसे? पब्लिक को, पब्लिक को। और ऐसे शेयर सेल को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सुना है आपने आईपीओस? आईपीओ सुना है, मैं पढ़ाऊंगा ये इंडियन इकोनॉमी में, डोंट वरी। सेकंड, ध्यान दीजिए, इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज को भी बेच देना है कुछ कुछ लॉस मेकिंग पीएसयू, लॉस मेकिंग, ये भी इसका। अब आप बोलेगा सर ये बेच क्यों रहे हैं भाई, ये तो प्रॉफिट में थी। देखिए, एससीआई सॉ प्रॉफिट ऑफ 348 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20। इस समय प्रॉफिट में थी जब सब जगह दिक्कत चल रही थी, तो कैसे बेचा जाएगा, क्यों बेचा जाएगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एनी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड और अ कंपनी और अ फंड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन दिस। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सुना होगा आपने, व्हेन द कंपनीज फॉर द फर्स्ट टाइम कम इन द शेयर मार्केट, तो पेपर में आता है आईपीओ जारी किया गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हाट हैपेंस इन इनिशियल पब्लिक ऑफर? किसी एक को नहीं बेचा जाता है शेयर, सब सारी पब्लिक को बेचा जाता है। पब्लिक, कोल इंडिया लिमिटेड का आईपीओ, ये क्या कहते हैं, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आईपीओ आया था 2 साल पहले, ओएनजीसी का आईपीओ, ठीक है, गॉट इट, आईआरसीटीसी का आईपीओ, यस, पब्लिक का पैसा उसमें, ठीक है। अब आप बोलेगा सर ये क्यों बेचा जा रहा है? देखिए भाई, पीएसयूज आर ऑन वन साइड, पीएसयूज आर अ एसेट, बट ऑन द अदर साइड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए टारगेट सेट किए हर साल, अभी इस इन्वेस्टमेंट कर। ये पीएसयूज को आप किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं? गोल्ड, आपके घर में जो गोल्ड होता है, एसेट्स, पीएसयूज वैसे ही हैं, ठीक है, सेल करके पैसा जनरेट कर। अगर पैसे की कमी पड़ रही है सरकार को, तो लास्ट ईयर भी कमी पड़ी थी, इस साल भी कमी पड़ रही है, तो बाई डिस इन्वेस्टिंग देयर शेयर्स दे आर गोइंग टू गेट मनी। This money is going to be used in expenditure. Are you getting it in the budget? Target set किया गया, दीपाम एक बहुत ही proactive आज department है, target set किया गया है कि हर साल 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए ऐसे ही कुछ करके set किया गया, sell off किया जाएगा। Are you getting it? ठीक है, तो आप बोलेगा सर क्या ये कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है इंडिया? नहीं, नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है ऑफ पीएसयूज। आई होप यू आर गेटिंग इट। कैपिटलिज्म में फर्क है प्राइवेटाइजेशन से। मैंने कैपिटलिज्म का मतलब बताया था आपको, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, इंटरवेंशंस नहीं। इंडिया में ऐसा होगा ही नहीं कि इंटरवेंशंस नहीं होंगे, ठीक है, बट यस, इट्स गोइंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। जो प्राइवेटाइजेशन डिबेट है, डिबेट of privatization of PSUs, it's a big big debate, I hope you agree। इसके pros भी हैं, इसके cons भी हैं, advantages हैं, कुछ फायदे होंगे सरकार को, कुछ घाटे होंगे सर, ठीक है। buyback भी होता है भाई, buyback होता है policy, बिल्कुल होता है, सारी companies का होता है buyback of shares। अभी कौन सी, विप्रो का buyback होने वाला है, देखा होगा आपने, विप्रो private company है, ठीक है, पढ़ाएंगे शेयर मार्केट में, चिंता मत कीजिए। बायबैक तब किया जाता है जब इन्वेस्टर्स को ये विश्वास दिलाना है कि मेरी कंपनी के शेयर मैं खुद खरीद रहा हूं, तुम्हें विश्वास नहीं है, मुझे तो विश्वास है कि मेरी कंपनी आगे बढ़े, ठीक है। तो आप बताइए, देखिए भाई, प्राइवेटाइजेशन डिबेट एक कंट्रोवर्शियल डिबेट है, ठीक है, लेट मी टेल यू, एक कंट्रोवर्शियल डिबेट है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, पहले लॉस मेकिंग पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने की बात आई, उसमें अभी भी पड़ा हुआ है एयर इंडिया, दिक्कत में चल रहा है, ठीक है, इतना ही नहीं, वो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स आल्सो, आई होप यू एग्री, कोई क्यों खरीदेगा?
तो आप बोलेंगे सर ये प्रॉफिट मेकिंग क्यों बेचा जा रहा है, मे बी और प्रॉफिट्स आएंगे। देखिए भाई मैं बता दूं आपको, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो काम किया जा कर सकता था वो नहीं कर पा रहा है एट प्रेजेंट, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। आप बोलिएगा सर यस, ठीक है, आप बोलिएगा कि सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2 मिनट रुकिए बस मैं बता रहा हूं आपको डिटेल्स में, 2 मिनट रुकिए मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपको डिटेल आज बता ही दूं शिपिंग को लेकर इंडिया के एस्टिमेट्स। टू मिनट्स यस, आप बताइए स्टूडेंट्स क्या ट्रेड किसी भी कंट्री का कौन से रूट से होता है, क्या मैरिटाइम रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेल मी, ओशनिक रूट, टेल मी स्टूडेंट्स, टेल मी, होता है कि नहीं मुझे बताइए। हाँ अब मैं बताऊंगा आपको, इंडिया इंडिया का प्राइवेट कंपनी हो या पीएसयू हो, मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया के ट्रेड में ध्यान दीजिएगा, इंडिया के मैरिटाइम ट्रेड में, ओशनिक ट्रेड में, ओशनिक ट्रेड में हमारा शेयर 30% भी नहीं, हमारे पास इतने शिप्स नहीं है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स फॉरेन शिप्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन शिप का मतलब क्या ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन शिप का एग्जाम्पल क्या ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया का मैप, फॉरेन शिप मीन्स इटली से कोई शिप आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इटली से मुंबई आया, उसने अनलोड किया, मुंबई में कुछ अनलोड हुआ प्रोडक्ट, मुंबई से मुंबई में खाली हो गया जगह, वहां पे जापान जाना है इसे, तो मुंबई में एक्सपोर्टर्स ने जो जापान को भेजा था प्रोडक्ट्स इस शिप में डाल दिए एट चीप कॉस्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट, चीप, 100 रुपए में, 50 रुपए में, ठीक है कि चलो यार खाली चल रहा है चले जाओ यार, कभी कभी तुम भी आ जाओ यार क्या दिक्कत है, चले जाओ जापान, चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, दैट्स इट, एंड वाइस वर्सा कीप है, एंड इट इज प्रेफर्ड बाय द एक्सपोर्टर्स। इंडिया की कंपनीज प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर शिपिंग में कॉम्पिटिटिव नहीं है, एज नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड अदर कंपनीज आर सो प्रॉफिटेबल दैट दे आर द बिगेस्ट अर्नर्स इन द वर्ल्ड, यस, ठीक है, आर यू गेटिंग इट, यही वजह है, यही वजह है कि मार्केट कैप्चर है ही नहीं हमारा, हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स फॉरेन शिप का इस्तेमाल करते हैं, ना तो प्राइवेट सेक्टर का रोल ना पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, शायद इंडिया अगर ये, अब पता नहीं इसका आगे क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कंडीशन, स्टिल आज की कंडीशन यही है कि फॉरेन कंपनीज आर हैविंग अ होल्ड अपॉन इंडियन मैरिटाइम ट्रेड, लेट मी टेल यू इन शिप्स। और मैं बता दूं इसमें कंटेनर ट्रेड, मीनिंग ऑफ कंटेनर, बॉक्सेस, पैकिंग ऑफ द बॉक्सेस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई सी पे आप जाओगे शिप में कुछ लेकर, आप गेहूं ले जा रहे हो, चावल ले जा रहे हो, टेकिंग राइस एंड वीट, आप गनी बैग में ले जाओगे, क्या वो सर्वाइव करेगा, नो, मॉइस्चर इज ऑन द सी, यू नीड एयर टाइट कंटेनर्स, कंटेनर्स, कंटेनर, और कंटेनर्स इंडिया की कंपनीज के पास कम है, आई होप यू आर गेटिंग इट, इटली, स्वीडन, यूएस, उसकी शिप्स आती हैं, मॉडर्नाइज शिप्स, आर यू गेटिंग इट, तो रियलिटी भी ऐसा ही है कुछ कि ये पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का होल्ड नहीं है इंडिया के मैरिटाइम ट्रेड आज भी, लेकिन हाँ ये सरकार को पैसे दे रही है 348 करोड़ प्रॉफिट, बट द गवर्नमेंट लास्ट ईयर ओनली केम आउट विद इट्स ओन पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल, सरकार ने कहा मैं कुछ कुछ कंपनीज पूरा सेल करूँ, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी सेल होंगी, आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट, यस, मेर्स्क इज अ वेरी बिग कंपनी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पॉइंट पुट अप किया है, तो ऐसा कंटेनर ट्रांसपोर्ट इंडिया में लैकिंग है, आप अल्फांसो मैंगो लेकर जा रहे हैं, दशहरी आम लेकर जा रहे हैं यूएई, रास्ते में ही खराब हो जाएगा, आप गेहूं चावल लेकर जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में खराब हो जाएगा, आप टी लीव्स ले जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन, दिक्कत की बात है, क्या क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो ये भाई
अब प्राइवेटाइजेशन डिबेट मैं बोलूंगा, आप आज सोचिए इसके ऊपर, ये हमेशा मैं नहीं सोचूंगा, प्राइवेटाइजेशन डिबेट ऑफ पीएसयू, मैं ये पढ़ाने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी में, इसके फायदे प्रोज, क्या इसे सरकार को पैसे मिलते हैं बजट के लिए, इसके कॉन्स, पांच एडवांटेजेस पांच डिसएडवांटेजेस प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, सोच के लिखिएगा, ग्रुप पे शेयर करना है आज। क्लियर? स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब होता है 50% के ऊपर का सेल, ठीक है, ओनरशिप सेल कंप्लीट। पहले भारत सरकार 10% 20% सेल करती थी, अब 50% के ऊपर का पूरा सेल कर रही है ओनरशिप, ठीक है। यस यस, बजट के लिए पैसा जनरेट करना है स्टूडेंट्स, इसीलिए सेल किया जाता है, पैसे की कमी है। लेट मी टेल यू, फिस्कल डेफिसिट से इसका वास्ता है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म फिस्कल डेफिसिट? टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ टैक्स रेवेन्यूज? टेल मी, जब पैसा वहां से नहीं आएगा तो कहीं और से तो लाना पड़ेगा ना आपको। फॉर एग्जाम्पल, घर में ईएमआई देने होते हैं हाउसिंग लोन के, ठीक है, या कहीं देने हैं पैसे, तो आपको पैसा कहीं से लाना है, सैलरी से नहीं आ रही है तो गोल्ड बेच कर लाना, दैट्स इट, ठीक है, गॉट इट? तो ये जरूर से पुट कीजिएगा आंसर इसका। और प्रीलिम्स के लिए दीपाम का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपाम का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन कब, नाम कब चेंज हुआ, क्या काम कर, दैट्स इट। आगे का न्यूज, फोर्थ न्यूज आज का, डेवलपमेंट फाइनेंस एंटिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंटर टू सेटअप डेवलपमेंट फाइनेंस एंटिटी इन 3-4 मंथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेवलपमेंट फाइनेंस एंटिटी का मतलब क्या है, देखिए यहां लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स विद अ व्यू टू मोबिलाइज रुपीज 111 लाख करोड़, 111 लाख करोड़ पैसा चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर फंडिंग ऑफ एम्बिशियस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। पैसा क्यों चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मैंने आपको स्पेशल क्लास में बताया है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बताया साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, ठीक है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, रोड्स, रेलवेज, आई होप यू आर गेटिंग इट, पावर, यस, इरिगेशन, सुना है आपने इसके बारे में, टेल मी। और क्या इसका, क्या ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म यानी पैसा लगता है, लागत लगता है, द मनी इज इन्वेस्टेड, द रिटर्न्स कम बैक आफ्टर 50 ईयर, यस, 30 ईयर्स मिनिमम। तो 30 ईयर्स 50 ईयर्स की लेंडिंग के लिए क्या बैंक सुटेबल रहेंगे, टेल मी। आज के बैंक इंडिया के प्रॉब्लम में है, अब वो अगर 50 साल का लोन देंगे तो और प्रॉब्लम में आ जाए, उन्हें ऐसे लोन्स देने चाहिए जो कि तुरंत रिटर्न्स दें उन्हें। बैंक्स आर इन अ डीप क्राइसिस इन इंडिया एट प्रेजेंट, आई होप ऑल ऑफ यू एग्री, आई ऑल्सो एग्री, एंड दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एग्रीज, यस, इट ऑल्सो एग्रीज, बैंक्स आर इन अ ह्यूज प्रॉब्लम। और अगर बैंक 50 साल का लोन देगा और अगर उस लोन में कभी ईएमआई आ गया, ईएमआई में एनपीए हो गया, कभी डूब जाएगा बैंक। आप बोलिएगा सर कुछ ऐसा एग्जाम्पल है क्या जो डूबा है यहाँ पे, हाँ डूबा है, एक एक कंपनी डूबी है, ILNFS, सुना है आपने इसके बारे में, आइए बताते हैं यहाँ पे ILNFS। मैंने इसको पढ़ाया था अप्रॉक्सीमेटली 3-4 वीक्स बैक, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, SBI की बॉडी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, लास्ट ईयर डूब गया। LIC एंड SBI हैड द इन्वेस्टमेंट इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ये पैसे लगाता था कंपनी, गॉन डाउन। ILNFS मैं अटैच कर दूंगा एक दो स्लाइड इसमें, ग्रुप पे पुट करूंगा, आप देख लीजिएगा। इन शॉर्ट वी नीड अनदर सोर्स, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, वी नीड अनदर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनदर सोर्स, और वो है अलग से एक कंपनी, अलग से एक इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यस, गॉट इट, गॉट इट।
और ये देखिए यहाँ पे इसका ये 111 लाख करोड़ इंतजाम करेगी मार्केट से उठे। क्लियर है टेल मी स्टूडेंट्स? यहां देखिए वी नीड अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फाइनेंसिंग नीड्स नीड्स पेशियंस पेशियंस इन पुटिंग मनी। बैंक्स करेंटली आर नॉट सुटेड फॉर लेंडिंग, बैंक की कंडीशन खराब है, अब नहीं उनसे पैसा मांगा जाए। बैंक्स आर नॉट सुटेड फॉर लेंडिंग फॉर सच प्रोजेक्ट्स विच डू नॉट जनरेट कैश फॉर ईयर्स, कम से कम 10 साल तो केवल वो खाता है, ये क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, केवल पैसे लगते हैं इसमें, पैसे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका रेवेन्यू आना शुरू होता है। यस, क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? जर्मी तो इसे कहां लिंक करोगे? डीकोड इंटरलिंक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार क्या स्टेप ले रही है? व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप्स इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट। एक और सवाल आ सकता है, हाउ विल इंफ्रास्ट्रक्चर बी फाइनेंस्ड बाय दिस इंस्टीट्यूट? आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। टेल मी स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं फिफ्थ न्यूज, चाइना यूएस रिलेशंस। अब ये देखिए इन दोनों को न्यूज में रहने की आदत हो गई। अब देखिए हुआ क्या है, हैव अ लुक। चाइना यूएस का वॉर पिछले 4 साल से चल, बहुत ज्यादा एंटागोनिज्म, एंड चाइना इज शोइंग एग्रेशन, एंड यूएस इज द ओनली एंटिटी विच इज शोइंग रिटेलिएशन। यूएस अकेला रिटेलिएट कर रहा है तरीके से। यहां पे रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव पे है यूएस अभी। उसने क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है उसने? उसने बोला तिब्बत, तिब्बत में मैं अलग से एक ऑफिस खोलूंगा। पूछा गया कहां पे? उन्होंने कहा लाशा, लाशा द कैपिटल ऑफ तिब्बत। बोला गया क्यों? क्योंकि कहा मिस्टर डीटी ने कहा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्योंकि ये अलग जगह है, अलग कंट्री है। शायद आर यू गेटिंग इट अलग जगह है। उसके बाद यूएस ने कहा मुझे साउथ चाइना सी में घूमने का भी मन करता है बीच बीच में, आई वॉन्ट टू कम देयर टू रोम अबाउट। काम नहीं है मेरे पास, मुझे रोम अबाउट करना है, वहां घूमते रहना है वहां। In short, the US and China on Tuesday sparred over Tibet and South China Sea with new moves from Washington marking the start of the last month of President Donald Trump in office, fueling fresh tensions. Fresh tension. Bhai gajab ka tension China ke paas. On Tuesday, China hit out at the US for passing the Tibetan Policy and Support Act, TPSA, Tibetan Policy and Support Act, a landmark act. Calls for opening of a US consulate embassy के जस्ट नीचे होता है in Lhasa and supports Dalai Lama from US head on conflict. Correct, a big stance. US ने कहा तिब्बत में हम अलग से एक embassy consulate खोलेंगे, यानी तिब्बत को एक अलग importance। चाइना ने कहा नहीं खोल पाओगे। US ने कहा कोई बात नहीं है, खोल तो सकते हैं ना, ठीक है, बोलने का तो मन है वहां पे कंसलेट, वहां मेरा एक ऑफिसर बैठेगा फॉरेन अफेयर्स का, और दलाई लामा को हम सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, द एक्ट सेड दैट दलाई लामा इज द सक्सेसर, ध्यान दीजिएगा सक्सेसर 14 दलाई लामा, और कहीं ना कहीं यहां पे ये शो कर रहा है कि ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए तिब्बत के लोगों। अब चाइना परेशान, एंड नाउ वी कैन एटलीस्ट हैव सम रेस्ट दैट यूएस विल टेक ओवर नेक्स्ट 1-1.5 महीने। अब चाइना उधर बिजी रहे। इतना ही नहीं, यूएस ने कहा मैं यहीं नहीं रुकने वाला हूँ, ताइवान का इश्यू है, हांगकांग पे भी मैं सोच रहा हूँ डिस्कशन करूँ, कि हांगकांग के लोग खुश नहीं चल रहे हैं, यहाँ खुशी नहीं रहती है, वहाँ यूएस आता है। चाइना सेज इट्स क्वेश्चन ऑफ आवर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, दे आर चाइनाज इंटरनल अफेयर्स। यूएस इज नो, नथिंग इज इंटरनल टू यूएस, यूएस का पूरा पावर है पूरे वर्ल्ड में आने का। आई होप यू आर गेटिंग इट ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ये मोमेंटस लैंडमार्क है यूएस की तरफ से।
इतना बड़ा एग्रेशन आज तक यूएस ने चाइना के खिलाफ नहीं शो किया था. आई होप यू आर गेटिंग इट. दिस इज द बिगेस्ट एग्रेशन ऑफ यूएस ऑन चाइनाज चाइनाज डिस्प्यूट. वे बैक इन 1979, लेट मी टेल यू, 1978-79 ताइवान को उसने रिकॉग्निशन दिया था यूएस ने. उसके बाद ये सबसे बड़ा स्टांस है. ताइवान के साथ उसने साइन किया था डिफेंस कोऑपरेशन 1978 में, और ताइवान में उसने लगाया था बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMDS, वही जो इंडिया भी खरीद रहा है रशिया से S-400. वो ऑलरेडी लगा हुआ ताइवान में 78-79 से यूएस ने लगाया था. उसके बाद ये सबसे बड़ा स्टांस है आज का. हांगकांग पे डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी में आने का बोलना, और तिब्बत के ऊपर सवाल खड़ा कर, बड़ी बात है. ठीक है, सो दिस यू कैन लिंक विद इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस. दिस ऑल्सो शोज वन थिंग दैट यूएस कह रहा है इंडिया को, अब विश्वास कर लो भाई मेरे ऊपर. अभी तक विश्वास नहीं करता, विश्वास कर लो. चाइना को, चाइना एक कॉमन एनिमी है, एक कॉमन एनिमी एंटिटी है. विश्वास कर लो, दोस्ती कर लो, आगे बढ़ेंगे. इसके कारण इवन जापान इज वेरी हैप्पी, इवन ऑस्ट्रेलिया इज वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके साथ पहले से ही चाइना का चल रहा है डिस्प्यूट. वियतनाम इज वेरी हैप्पी, ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ चाइना सी आर वेरी हैप्पी. यूएस का शिप घूमने आएगा यहां पे, गलती से घूमते घूमते चाइना के पानी में चला जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. क्लियर है स्टूडेंट्स? टेल मी. तो 20 वर्ड्स निकाल लीजिएगा यहां से, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन. इसके बाद इंडिया यूएस रिलेशन स्ट्रांग होंगे, और इंडिया चाइना में ये जरूर से पुटअप कीजिएगा. नाउ यू विल से दैट सर, ये जोसेफ बाइडेन आएंगे तो क्या ये विड्रॉ करेंगे? इट्स अ एक्ट. एक्ट का मतलब एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, एक्ट का मतलब है एक देश की बात. बात समझ में आ रही है? आइए आगे बढ़ते. ये देखिए तिब्बत का एरिया, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया तिब्बत का. ये देखिए इंडिया का मैप. ठीक है, गॉट इट. ये लद्दाख में एग्रेशन शो किया था चाइना ने अभी, और यहां पे सिक्किम के ऊपर नाकुला में एग्रेशन शो किया. ठीक है, और ये देखिए यहां पे लाशा है इस जगह, लाशा. ठीक है, गॉट इट. तिब्बत जरूर से नोट किया, तिब्बत का कैपिटल लाशा. जब तिब्बत वाज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, इट वाज द हाईएस्ट कैपिटल अपॉन अर्थ, हाईएस्ट कैपिटल अपॉन अर्थ, याद रखिएगा. हाईएस्ट कैपिटल अपॉन अर्थ वाज लाशा. अब नहीं है क्योंकि वो चाइना ने कैप्चर कर लिया वो बेल्ट. अब लापाज, बोलिवियाज कैपिटल is the highest capital upon. बोलिविया कहां पे बताइए मुझे स्टूडेंट्स? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. ठीक है, बोलिविया का कैपिटल लापाज अब हाईएस्ट कैपिटल है. ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? यूरोपियन यूनियन परेशान चल रहा है भाई. अभी आ गया ये नया स्ट्रेन, तो कोविड को ही लेकर परेशान चल रहा है. इट्स वरीड वेरी मच उट इट. ठीक है, नेक्स्ट. COVID-19, सिक्स नंबर स्लाइड देखिए, नाम लिया और आ गया. WHO कॉल्स मीटिंग ऑन न्यू वायरस वेरियंट, 70% मोर ट्रांसमिशन रेट, 70% मोर ट्रांसमिशन रेट. कल का ही न्यूज था और ये पहला न्यूज. WHO की मीटिंग आई हुई है इमरजेंसी का, तो मतलब है इट्स फेटल, न्यू स्ट्रेन इज फेटल. इंडिया में भी, इंडिया ने अपने यूके के फ्लाइट्स रोक दिए हैं, लेकिन इंडिया में न्यूज़ आया 20 पीपल फ्रॉम यूके हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव कोविड. एयरपोर्ट पे ही चेक किया गया उनको. ठीक है, एयरपोर्ट पे चेक किया गया. न्यू दिल्ली में कुछ 4 लोग, 8 लोग अमृतसर में, 2 लोग बॉम्बे में, कुछ ऐसे ही आया था डिटेल्स. अहमदाबाद में 4 लोग, कंप्लीट 20 पीपल आर रिपोर्टेड टू हैव कोविड कमिंग फ्रॉम यूके इन द पास्ट 2 डे. दे वर टेस्टेड अपॉन द एयरपोर्ट. Now, is this problem? Tell me, is this a big problem? Tell me, 20 people, is this, it's a big problem.
उनको ट्रैक किया जा रहा है। अगर देखिए लॉकडाउन की बात है या नहीं नहीं पता, लेकिन नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया मैक्सिमम स्टेट्स में, इवन महाराष्ट्र हैज डिक्लेयर्ड अ नाइट कर्फ्यू। ठीक है, आपने देखा होगा शुरुआत हो गई है, तैयार कर दिया गया है। तैयारी करने में सबसे बड़ा रोल निभाया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर। एक एक बंदे को यूके जो आया उसे ट्रैक और टेस्ट किया। नेक्स्ट न्यूज देखिए, यहां पे रूरल इंडिया में सर्वे हुआ, एक सर्वे हुआ और ये बहुत बड़ा डेटा आ रहा है। रूरल इंडिया पीपल आर नॉट रेडी फॉर वैक्सीनेशन। उन्होंने कहा मैं फ्री में मिलेगा तो ठीक है, पैसे नहीं खर्च करेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है लेस देन हाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स इन अ सर्वे ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स वर विलिंग टू पे फॉर वैक्सीनेशन। 44% ने कहा हम पे करने को रेडी हैं। ठीक है, बाकी 36% ने तो कह दिया रिजेक्ट करते हैं, हमको फ्री में मिले या कैसे मिले हमको नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग इट? क्या दिक्कत की, कितनी बड़ी दिक्कत की बात है ये, पता है ये क्या शो कर रहा है? सर क्या शो कर रहा है? अरे भाई 400 रुपए भी किसी के लिए बहुत होते हैं। लेट मी टेल यू, इट शोज अ वैक्सीन डिवाइड। आई होप यू आर गेटिंग इट। इट शोज अ इनइक्वालिटी इन इंडिया। इनइक्वालिटी टॉपिक सुना है आपने? इनइक्वालिटी टॉपिक टेल मी, सुना है आपने उसमें दिस क्या कहते हैं लोरेंस कर्व, सुना है आपने? लोरेंस कर्व वेल्थ को लेकर है, वही वेल्थ का लोरेंस कर्व इंपैक्ट कर रहा है वैक्सीन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। लोरेंस कर्व वैक्सीन पे इंपैक्ट करेगा, ये देखिए। आप बोलिएगा क्या सर ये तो दिक्कत की बात है, फ्री की आदत हो गई है। नहीं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, 1000 रुपए दो डोज के लिए नहीं है पैसा एक महीने के अंदर। अफोर्डेबिलिटी, वो भी माइग्रेंट लेबर्स के घर पे अफोर्डेबल वैक्सीन अफोर्डेबिलिटी नहीं है। फूड सिक्योरिटी में भी ये वर्ड आया था अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अभी फिर से ये वर्ड आया शब्द अफोर्डेबिलिटी। इट शुड बी अफोर्डेबल, खरीदने की शक्ति होनी चाहिए थी इंडिविजुअल के पास। इट्स अ क्लासिकल केस स्टडी, सर्वे इज अ केस स्टडी अप्रोच। सोशियोलॉजी ऑप्शनल, पीपल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, लॉरेंस कर्व जरूर से ये ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, सर्वे का इंपॉर्टेंस, और आपके लिए जीएस में फूड सिक्योरिटी, वैक्सीन सिक्योरिटी, अफोर्डेबल वर्ड कॉमन, नॉट इट क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तो चिंता की बात है, ये चिंता की बात हो गई। अब सर गांव के लोगों को सर क्या लगाना चाहिए वैक्सीन पकड़कर या बाकी चीजें, ना बता दूंगा तो नॉलेज ही नहीं है कोविड के स्ट्रेन क्या होता है। आप बताइए आपको कोविड के पहले वायरस क्या होता है डिटेल पता था? अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं थे, नहीं पता। जीन क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू नो अबाउट दिस? दे आर सीइंग जस्ट एज अ इन्फेक्शन, सिंपल इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब देखा जाए कैसे वैक्सीन मिलेगा, ये वैक्सीन डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। लॉरेंस कर्व जरूर से लिंक कीजिएगा इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी में मैं पढ़ाऊंगा लॉरेंस कर्व ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस इंडियन इकोनॉमी में। मोदी अवॉर्डेड द लेजेंड ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डीटी। शिंजो एबी एंड स्कॉट मॉरिसन ऑल्सो रिसीव द ऑनर, लेजेंड ऑफ मेरिट। बस यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंडिया यूएस रिलेशन गोइंग फ्रॉम बेटर टू इंडिया यूएस, फ्रॉम बेटर बेस्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट, क्लियर है, गॉट इट? आप बोलेगा सर क्यों मिला है इनको? अरे ये इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, शिंजो एबी जापान के पुराने प्रधानमंत्री थे और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। हिंट नहीं लग रहा है आपको? व्हाट, टेल मी व्हाट। ठीक है,
अब वैक्सीन कैसे मिलेगा उन लोगों को, ये तो चिंता की बात है। देखिए भाई, मैंने पहले भी कहा था, वैक्सीन बनाना मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन पॉलिसी में बहुत कुछ चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाएंगी नेक्स्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, क्वाड प्रमोशन, यू कैन सी डियर लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड, दिस अवार्ड मीन्स यूएस इज प्रमोटिंग क्वाड। यस, ये मिस्टर डीटी ही नहीं है केवल, ये पूरा यूएस है जो क्वाड प्रमोट कर रहा है। US sees its security in these, in this group part. That's it. Got it, students? Mr. DT is very, very happy. कह रहे हैं कुछ तो मेरी बात मान लो, आप लोग क्वाड बना ही दो अब यार, अभी तक केवल बातचीत चल रही है, बना ही दो, 1 महीना रह गया है, मुझे तो जाना ही है यहां से। बना दोगे तो मेरा नाम लिया जाएगा आगे चलकर कि मैंने क्वाड बनाया था। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, आर यू गेटिंग इट? Yes, it's an example. Himanshu, correct. It's an example of building trust. Trust in these countries. Yeah? Next. Health data shows India does not... ये last news है आज का. Health data shows India does not need a two-child policy. National Family Health Survey ये बता रहा है that India का population stable होने की तरफ जा रहा है. ऑपरेशन स्टेबल होगा, देखिए देखिए, जोसेफ बाइडेन आए या मिस्टर डीटी आए, जितने एक्ट्स डिसीजंस लेजिस्लेशंस आ रहे हैं, ये मत सोचिएगा मिस्टर डीटी के ही कारण, डोनाल्ड ट्रंप के कारण, बिकॉज ऑफ इवन द यूएस स्टांस, यूएस इज वरिड अबाउट चाइना। ठीक है, फिर इसीलिए आइए इस पे चलते हैं। पॉपुलेशन स्टेबल होने की तरफ जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगा। फर्टिलिटी रेट्स हैव ड्रॉप्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी रेट्स स्टूडेंट्स? कितने बच्चे, बच्चों का जन्म होता है एक परिवार में, एक महिला, शादीशुदा महिला कितने बच्चों को जन्म देती है? इफ इट इज टू, तो इन अ फैमिली ऑफ, इन अ फैमिली देयर द हस्बैंड एंड वाइफ, टू पीपल आर रिप्लेस्ड बाय टू चिल्ड्रेन, दैट इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, रिप्लेसमेंट लेवल्स, आर यू गेटिंग इट? रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी। लेकिन आप बताइए क्या कुछ बच्चों की मौत हो जाती है इसमें भी? इसीलिए रिप्लेसमेंट लेवल्स आर टेकन टू बी 2.1, 2.1, आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। नंबर ऑफ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमेन, ठीक है, थ्रू आउट हर लाइफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमेन, इट्स इट शुड बी एवरेज, शुड बी इट्स द एवरेज 0.1, क्योंकि कुछ बच्चों की डेथ होगी। ठीक है, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल्स। दो लोग एक परिवार में, उनकी डेथ होगी तो दो बच्चे आएंगे, वो बड़े होंगे, आर यू गेटिंग इट? इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस हो रही है स्पेशल क्लासेस में, अन अकेडमी ऐप पर फ्री हो रहा है भाई, जुड़िए वहां पे, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, टेल मी? तो कहा जा रहा है हेल्थ डेटा शोज इंडिया डज नॉट नीड अ टू चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी, इंडिया में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, एंड पीपल आर नाउ बिकमिंग अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग। मैं बता दूं, अभी भी शहरों में सबसे ज्यादा शहरों पे असर पड़ा है, शहरों में इट्स अ वन चाइल्ड पॉलिसी नाउ बाय द फैमिलीज। किसी ने कहा था, किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि इन्फ्लेशन हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट अपॉन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। यस, इन्फ्लेशन इन एजुकेशन, इन्फ्लेशन इन फूड, इन्फ्लेशन इन, जिस क्या कहते हैं, जितनी सर्विसेज हो सकती जो अवेल करता है परिवार, अगर उन सर्विसेज में महंगाई आती है तो परिवार केवल एक ही बच्चा, एक ही बच्चे को जन्म देता है, वन चाइल्ड पॉलिसी, आई होप यू आर गेटिंग इट, दैट्स इट, वन चाइल्ड पॉलिसी। शहर में ऐसा हो गया, गांव में इट मे बी लाइक 3 to 4 चिल्ड्रन इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, बट इन द साउथ इंडियन स्टेट्स इट्स गॉन फॉर 1 to 2 चिल्ड्रन, दैट्स इट। केरला में बहुत कम हो गया, डिप कर गया है फर्टिलिटी लेवल्स, तमिलनाडु में डिप कर गया है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और है यहाँ पे स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं,
There are something called as unofficial estimates as well. Yes. तो ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया इज राइट ऑन ट्रैक इन पॉपुलेशन कंट्रोल. पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा ये सरकार कह रही है क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डेटा आया है. अब ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पहला पॉइंट क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी? रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, वट इज रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी? आपका ये होमवर्क है आज का, रिप्लेसमेंट लेवल. सेकेंड, वट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी रेट्स? ठीक है, ये दोनों चीजें निकाल लीजिए. और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए डीकोड इंटरलिंक अप्रोच, यूज इट इन पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन. अगर कोई सवाल आया पॉपुलेशन कंट्रोल, कोई सवाल आया प्लीज लिंक. यानी फ्री कोविड वैक्सीन? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं, अब देखा जाए. ठीक है, आइए आगे बढ़ते. ये लास्ट न्यूज था, आइए देखते हैं एडिटोरियल्स ऑफ द डे. पैंडेमिक रेजिलियंस, क्या ये शब्द इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजिलियंस? अगर कोई डिसरप्शन हो रहा है आपकी लाइफ में, एबिलिटी टू बाउंस बैक. आपने देखा होगा, आप रबर की गेंद फेंकते हैं नीचे जमीन पे, वो रेजिलियंट होता है, इट बाउंसेस बैक. जितना तेज फेंकते हैं उतना तेज ऊपर उठता है. ऐसा ही रेजिलियंस आपको अपनी लाइफ में लाना, यू शुड बी रेजिलियंट. जितना आपको आपकी किस्मत कह लीजिए, आपका जिस क्या कहते हैं आपका लक कह लीजिए, मीन्स किस्मत, ठीक है, जितना नीचे ले जाएगी आपको लाइफ में उतना तेजी से बाउंस बैक. बी रेजिलियंट. ठीक है, और यहां पे पैंडेमिक रेजिलियंस यही वर्ड आया. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट अ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन होम अफेयर्स, उसने कुछ कहा था, न्यू हेल्थ लॉ इज नीडेड, कहा था, टेल मी, उसी पे आज दिया, दैट यस अ न्यू हेल्थ लॉ विल बिल्ड अप इंडियाज रेजिलियंस इन पैंडेमिक्स. आर यू गेटिंग इट? पैंडेमिक्स, एबिलिटी टू बाउंस बैक. ठीक है, बाउंस बैक करना, डिसरप्शन को ठीक कर देना तुरंत. क्या देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये कैसे होगा? वही होम अफेयर्स की कमिटी का इसने यहाँ लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड अंडर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम. तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इंडिया में, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी समस्या है अंडर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ. आर यू गेटिंग इट? टेल मी. पब्लिक हेल्थ, सेकेंड, कॉमर्शियलाइज्ड प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, कॉमर्शियलाइज्ड सब चीज का पैसा लेता है, कॉमर्शियलाइज्ड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, यस, प्रॉफिट मोटिव के लिए. थर्ड प्रॉब्लम, रूरल एरियाज नो हेल्थ केयर. आई होप यू आर गेटिंग इट? रूरल एरियाज नो हेल्थ केयर. यहां से यही पॉइंट उठाना है क्यों? ठीक है, बात समझ में आ रही है? केवल तीन पॉइंट्स यहां पे. फोर्थ पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पॉइंट, एब्सेंस ऑफ अ यूनिवर्सल इंश्योरेंस पॉलिसी. चार समस्याएं इंडिया, अंडर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ, सेकेंड कमर्शलाइज प्राइवेट हेल्थ, रूरल एरियाज नो हेल्थ, ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल इंश्योरेंस पॉलिसी. शायद सबसे बड़ा दुश्मन हमारा COVID-19 है. और देखिए लिखा हुआ है, अगर ये चार नहीं ठीक किए तो इंडिया को SDG अचीव नहीं हो पाए. SDG, आई होप यू आर गेटिंग इट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दीज द हेल्थ रिफॉर्म्स आर द मोस्ट अवेटेड रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट. दैट्स इट, द मोस्ट अवेटेड रिस्पॉन्स, द मोस्ट अवेटेड रिफॉर्म्स. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? टेल मी भाई, वीडियो देख रहे हैं लाइक भी कर दीजिएगा. ठीक है, इतने लोग देख रहे हैं. नेक्स्ट, नाइजीरिया में क्या प्रॉब्लम हुआ है स्टूडेंट्स? टेल मी, नाइजीरिया में परेशानी चल रही है. और मैंने कहा था नाइजीरिया में तीन ग्रुप रहते हैं. पहला ग्रुप
ट्राइबल्स, सेकेंड ग्रुप इस्लाम, थर्ड ग्रुप क्रिश्चियंस, और नाइजीरिया इज फेसिंग बोको हराम मिलिटेंसी। नाइजीरिया के बारे में लिखा गया, मैं बता दूं, यहाँ नाइजीरिया के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं यहाँ पे, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का एडिटोरियल है। नाइजीरिया इज द बिगेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर फ्रॉम क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर फ्रॉम अफ्रीका। सेकेंड, इट इज सफरिंग फ्रॉम बोको हराम मिलिटेंसी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट हैज थ्री ग्रुप्स, और मैं बता दूं ये क्यों इस्लामिक स्टेट के लोग, बोको हराम के लोग अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियन ग्रुप है, क्रिश्चियन ग्रुप साउथ नाइजीरिया में रहता है जहां पे क्रूड पाया जाता है। द क्रिश्चियन ग्रुप लिव्स इन साउथ नाइजीरिया, आर यू गेटिंग इट, लेट मी नो स्टूडेंट्स, साउथ नाइजीरिया, यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। इस्लामिक ग्रुप नॉर्थ में रहता है, नॉर्थ में कोई क्रूड नहीं है, कोई नेचुरल गैस नहीं है, नो हाइड्रोकार्बन, इट्स अ फाइट ऑफ हाइड्रोकार्बन, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाइजीरिया एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जहां पे इस्लामिक स्टेट या बोको हराम वॉन्ट्स टू कंट्रोल द क्रूड ऑयल वेल्स, दैट्स इट, विच इज अंडर द क्रिश्चियन कम्युनिटीज एट प्रेजेंट। पोर्ट हरकोट वो जगह है, पोर्ट हरकोट वो जगह है जहां पे क्रिश्चियंस मैक्सिमम रहते हैं, ये सी पोर्ट है वहां पे, देखिए। और ये लास्ट में एंड क्या किया गया, टू डिकेड्स इज द रिटर्न टू डेमोक्रेसी, नाइजीरिया मस्ट डू मोर टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। 20 साल हुए हैं डेमोक्रेसी में रिटर्न किया नाइजीरिया, बट स्टिल, इसके पहले क्या था नाइजीरिया, मिलिट्री रूल के अंडर में था, बट स्टिल इट इज फेसिंग, अगर उसे अपने आप को ठीक रखना है और अफ्रीका को ठीक रखना है तो खुद को ठीक करना पड़ेगा। यहां से केवल तीन चीजें याद रखिए, क्रूड ऑयल पे कंट्रोल क्रिश्चियंस का है, बोको हराम इस्लामिक ग्रुप है नॉर्दर्न नाइजीरिया में, थर्ड, टू डिकेड से डेमोक्रेसी में रिटर्न किया नाइजीरिया बट स्टिल द प्रॉब्लम्स, एंड लास्ट आज का एडिटोरियल, ये एडिटोरियल परसों आया था, डे बिफोर यस्टरडे, आज ले रहा हूं द हिंदू में, ये देखिए, वही हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर हैज बिकम द बिगेस्ट इश्यू, आई सपोज ऑल ऑफ यू एग्री, इसमें भी वही चीजें हैं, इसमें भी ये एडिटोरियल बस पूरा नहीं पढ़ना है, केवल ये पहला पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा, एंड ये पैराग्राफ जहां पे रास्ता दिखाया गया है क्या होना चाहिए, टू पैराग्राफ्स, आई होप यू आर गेटिंग इट, लेट मी नो स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टॉपिंग द स्लाइड ऑफ हेल्थ केयर, इंडियाज हेल्थ केयर इज अ डार्क इको चेंबर, इट इज 70% प्राइवेट एंड 30% पब्लिक, क्या बात है, डेटा देखिए यहां पे, 70% प्राइवेट 30% पब्लिक, क्या ये चिंता की बात है, टेल मी, पब्लिक में नो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट के लिए अर्निंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ कंट्री वेर 80% पीपल डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ एंड द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इज एज हाई एज 62%, ये देखिए 80% पीपल के पास इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस कवर नहीं है, क्या ये डेटा आपको बहुत हेल्प करेगा, टेल मी, बहुत हेल्प करेगा, नो इंश्योरेंस कवर, एंड 62% आपके पॉकेट से पैसा निकल जाता है हेल्थ के लिए, आपने देखा होगा पर एक परिवार में 62% पैसा निकल जाता है हेल्थ केयर पे, दवाइयां खाने में, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, एंड विद पब्लिक स्पेंडिंग एट 1% ऑफ जीडीपी, 1% ऑफ जीडीपी, 1.13% ऑफ जीडीपी इज स्पेंड ऑन हेल्थ, क्या ये बहुत कम है, बहुत कम है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इट्स 10% 12% स्पेंडिंग हेल्थ के ऊपर, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया स्टूडेंट, प्लस अंडर स्टाफिंग, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, इन शॉर्ट इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट पब्लिक, सॉरी द हेल्थ सेक्टर इज इन अ डीप क्राइसिस, हेल्थ सेक्टर इज इन अ डीप क्राइसिस, क्या ये डेटा नोट कर लिया है आपने स्टूडेंट्स, टेल मी, इज इन अ डीप क्राइसिस। और फिर ये आर्टिकल बता रहा है कैसे ठीक,
कैसे ठीक किया जाए ये देखिए। और पता है ये क्राइसिस और किसने बता दिया? पैंडेमिक ने, कोविड-19 ने बता दिया कि क्राइसिस क्या है। अब सबको समझ में आ गया क्राइसिस है, ठीक है। अब यहां कहा जा रहा है लेट्स गो फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म्स कैसे होंगे? तीन ऑप्शन है। रिफॉर्म्स किस फील्ड की बात चल रही है? रिफॉर्म्स की बात चल रही है डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स में। फर्स्ट देयर आर थ्री ऑप्शंस देयर। रैंप अप द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दीजिए, एक पहला रिफॉर्म। विद काउंटर पार्ट ऑब्लिगेशन टू सर्व इन रूरल एरियाज, ओके, डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाइए और उनको मैंडेटरी कीजिए रूरल एरियाज अपनी सर्विस टेन्योर में, ठीक है। पहला पॉइंट, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स आफ्टर कमिंग इन सर्विस दे प्रेफर प्राइवेट सेक्टर। आई होप यू आर गेटिंग इट। वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर पैसे के लिए, ठीक है। सेकंड, अगर ये नहीं हो पाएगा तो एक पहले सिस्टम था लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये कब था? इंडिपेंडेंस के पहले लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर गांव में था, ठीक है। ये क्या था? एक तरह से डिप्लोमा, बात समझ में आ रही है? एक तरह से लाइसेंसिएट मींस एक तरह से नोइंग द बेसिक्स ऑफ हेल्थ केयर गांव के लिए। तो उसको रिवाइव किया जाए, ये कहा जा रहा है, या तो उसको रिवाइव कीजिए। आई रिपीट, लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर। थर्ड रास्ता है भाई कि नर्सेस को, बीएससी नर्सिंग जो लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और ज्यादा स्किल दे दी, नर्सेस को स्किल दे दी। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। गॉट इट टेल मी स्टूडेंट्स। नर्सेस को बीएससी नर्सिंग जो लोग कर रहे हैं उनको लार्ज नंबर ऑफ केसेस डील करने की थोड़ा सा स्किल दे दी, ठीक है। स्पेसिफिकली नर्सेस को ये हेल्प उस समय दिया जाना चाहिए जब मैटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात हो, ठीक है। उस समय ये नर्सेस ज्यादा अच्छा काम करें। आर यू कटिंग? तो मैं यहां पे ट्वीट कर रहा हूं इस जगह पे, इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, एक ये तरीका है, एंड लेट देम गो इन द रूरल एरियाज मैंडेटरी टू सर्व इन देयर सर्विस टेन्योर। सेकेंड ब्रिंग बैक लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो इंडिपेंडेंस के पहले था इंडिया में। एंड थर्ड, प्रमोट नर्सिंग ग्रेजुएट्स टू बी नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स जो वहां जाकर काम। क्या टेल मी स्टूडेंट्स, क्या समझ में आ गई बात? डॉक्टर्स फॉर विलेज जो MBBS डिग्री में है, यहाँ जब सर्विस में है उसकी बात की जा रही है। डिग्री में तो है ही भाई, ठीक है, यहाँ सर्विस की बात की जा रही है कि सर्विस में आप मैंडेटरी जाइए, आधा समय वहीं पे व्यतीत की। आर यू कटिंग? इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा नर्सिंग प्रैक्टिशनर से। यस, नर्सिंग ग्रेजुएट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर पैरिटी। आई होप यू आर गेटिंग इट। आपको नहीं लग रहा कि एडिटोरियल से इतना सफिशियंट है? सफिशियंट भाई, 5-6 समस्याएं देख लिए और 3 रास्ते देख लिए, इतना ही निकालना होता है, ठीक है। आप बोलेगा सर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें पब्लिक, हमें प्राइवेट कंपनी चाहिए और यहां पे हमें पब्लिक कंपनी चाहिए। पता है क्यों? यहां पे हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और रेलवे बनाने में प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, इसमें आएगी ही नहीं। इसमें जब तक प्रॉफिट नहीं होगा वो नहीं आएगी। इसलिए आप देखिए जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं All are unregulated. बिल इन्फ्लेट करके देते हैं आपको। आप गए बुखार के लिए, वहां से 4 दिन के बाद आ रहे हैं 1,00,000 का बिल देकर और ब्लड प्रेशर और टेंशन लेकर माइंड में। नहीं, ऐसे ही होता है ना मैक्सिमम केसेस में। और आपसे पूछा गया क्या क्या भाई, क्या क्या करवाया डॉक्टर ने? भाई MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, खून जांच 1 दिन में 3 बार हुआ, क्या परेशान। डोंट यू थिंक huge problems? Unregulated health sector is also a big problem in private field. So I hope ki session pasand aaya aap logon ko student. Ye zarur se editorial, parso ka editorial hai, zarur se data nikal lijiye, sufficient hai. Pura editorial nahi padhna hai aapko. Kya?
That's it from my side for today, and I hope you understood the points of fundamental rights, reasonable restrictions, Article 19, Article 21. जान लगा दीजिए, आज दिन भर आपका दोबारा नहीं आने वाला है, और शायद दोपहर में सेशन होगा मेरा, मैं बताऊंगा आपको, लिंक फॉरवर्ड करूंगा, 2 या 3 बजे का सेशन होगा, मैं लिंक फॉरवर्ड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और शाम को 8 PM पे आना है इंडियन इकोनॉमी की क्लास, ठीक है। स्लाइड्स तो आपको इतने ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं कि अब क्या कहा जाए, तो समझ दीजिए कि अब प्रीलिम्स के लिए जान लगा दीजिए, मेंस के लिए जान लगा दीजिए। ये बर्ड भी कह रहा है भाई कि मेरे ऊपर सवाल पूछा जाएगा, पढ़ लो मुझे कम से कम एक बार तो पढ़ ही लो, कभी 2 बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। सो दैट इज ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, गो एंड टेक डाउन दीज टॉपिक्स, रीड इट। आपने स्टैटिक में देखिए आज क्या फिनिश किया है, आपने स्टैटिक में आज ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के बारे में फिनिश किया है, आपने आर्टिकल 19 फिनिश किया एंड आर्टिकल 21, एक ओवरव्यू आपने आज फिनिश किया, ध्यान दीजिएगा, आपने आज फिनिश किया लेपर्ड एंड टाइगर का सेंसस एक साथ हुआ था, आपने आज वेस्टर्न घाट्स पे डिटेल्स मैंने यहाँ फॉरवर्ड किया, आपको पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन है ये, ठीक है। उसके बाद आपने फिनिश किया हेल्थ सेक्टर में क्या क्या परेशानी है, यू ऑल्सो वेंट फॉर वॉट इज दीपाम, दीपाम इज अ स्टैटिक फील्ड कंसेप्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये लाशा कहाँ है, लापास कहाँ है, मैंने ये भी बता दिया आपको, आई होप यू आर गेटिंग इट स्टूडेंट्स। तो स्टैटिक फील्ड से कम 8-10 टॉपिक रोज क्लियर हो रहे हैं। यहां देखिए आपको मालूम चला रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी क्या होता है, यू गॉट टू नो, यू ऑल्सो गॉट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे, टेक केयर, बाय बाय, गिव योर बेस्ट and put a like up on the video, this is needed, take care, like zarur kijiyega jaane se pehle aur share kijiye jitne logon tak ho sakta hai, bhai aapko sabse best current affairs session main de raha hu pure india mein, unparalleled session hai, I can guarantee you this thing, you are in very safe hands regarding current affairs and you are going to have an edge over remaining competitors, let me tell you आपसे ज्यादा बढ़कर कोई नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूं ना जो काम करो ना जान लगा दो। When I wake up in the morning, my policy is just one thing, to give my best in current affairs, that's it. कि मेरे से आगे कोई ना करंट अफेयर्स बनाए अच्छा, that's it. ठीक है, और आपका भी यही रहना चाहिए कि आपसे अच्छा कोई लिख ना पाए यूपीएससी। रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करना है आपको, आपको टॉप नहीं करना है, आपको रिकॉर्ड सेट करना है यूपीएससी में, दैट्स द मेन थिंग, रिकॉर्ड सेट करना है, पॉजिटिव देखकर जाना है आगे, अपनी लकीर इतनी आगे खींच देनी है कि कोई आसपास रहे ही ना, दैट्स इट, टेक केयर।